Hi everyone, welcome back to my channel and how's you all guys? I hope you all are doing well. Well, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एजिलिक एसिड के बारे में. बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. इवन मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे DMs आए थे लाइक हाउ टू यूज एजिलिक एसिड एंड वॉट आर द बेनिफिट्स एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लाइक मैं हर एक को आंसर्स नहीं कर सकती हूँ. इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी. इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि 20% एजिलिक एसिड जो है वो सेफ है या नहीं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए एंड एजिलिक एसिड को हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. सो इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजिलिक एसिड कैसे वर्क करता है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. सो द फर्स्ट इज एजिलिक एसिड फाउंड इन ग्रेन्स, लाइक वो वीट में होता है एंड ड्राई में होता है. इसके अलावा ये इंकरेज करता है स्किन सेल्स टर्नओवर में, लाइक जैसे कि रेटिनॉयल आइदर कोई भी एक्सफोलिएटर करता है जिससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है. सेम एजिलिक एसिड भी वैसे ही वर्क करता है, आपके स्किन सेल टर्नओवर में हेल्प करता है. मीन्स आपको पर्जिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक अगर आपको रेटिनॉयल से पर्जिंग होती है, ट्रेटिनॉइन से होती है, BHA से होती है, आइदर AHA से होती है, तो आपको पर्जिंग हो सकती है एजिलिक एसिड से भी. ऑफ कोर्स ये आई गेस पर्जिंग होती है 4 to 5 weeks तक. सो द फर्स्ट थिंग इज इससे आपको पर्जिंग हो सकती है क्योंकि ये हेल्प करता है आपके स्किन सेल टर्नओवर में. एंड द सेकेंड, ये थायरोसिनेस एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है, मीन्स आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है लाइक अल्फा ब्यूटेन एंड ट्राइजामिक एसिड. सो अगर ये थायरोसिनेस एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है मीन्स ये आपके पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए एंड हाइपर पिगमेंटेशन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है. सो बेसिकली ये ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटेन की तरह वर्क करता है. मीन्स ये आपके पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन, आइदर आपको रोशिसिया है तो उस पर भी वर्क करता है. इसके अलावा एजिलिक एसिड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्ने को रिड्यूस करती हैं. सो एजिलिक एसिड्स में जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक एक्ने को रिड्यूस करना, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन में वर्क करता है, इवन रोशिसिया पे वर्क करता है, इवन ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स अगर आप एजिलिक एसिड को यूज करते हो. नाउ द क्वेश्चन इज 20% एजिलिक एसिड एजीडर्म इज सेफ और नॉट. वेल, इट्स एब्सोल्युटली सेफ. इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन टॉलरेंस, आपकी स्किन उसको टॉलरेट कर रही है या नहीं. क्योंकि 20% एजिलिक एसिड इक्वलेंट होता है 0.5% रेटिनॉल की एंड 0.5% रेटिनॉल आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है अगर आपने कभी भी पहले रेटिनॉल यूज नहीं किया है. तो सेम अगर आपने कभी भी एजिलिक एसिड 10% यूज नहीं किया है एंड आप डायरेक्ट 20% यूज कर रहे हो तो इससे आपकी स्किन इरिटेट कर सकती है. सो आप इसको देख सकते हो कि अगर आपकी स्किन को सेल टर्नओवर कर रहा है तो आपकी स्किन को रिएक्ट भी कर सकता है, आपको पर्जिंग भी हो सकती है. ऑफकोर्स 20% और 10% से भी पर्जिंग हो सकती है, बट 20% हायर परसेंटेज होता है. अगर आपको यूज करना है तो एक बार आप डर्मेट से कंसल्ट करके यूज कर सकते हो क्योंकि इससे आपको इरिटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो. शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइक बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो 20% के लिए एक बार आप डर्मेट से ज़रूर कंसल्ट करो. एंड वन मोर पॉइंट, अगर मैं कंपेयर करूँ रेटिनॉयल आइदर ट्रेटिनॉइन से तो एजिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा सेफ और लेस इरिटेटिंग होता है. इसलिए बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं एजिलिक एसिड यूज़ करना क्योंकि आपके स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है. इवन इससे सन सेंसिटिविटी भी नहीं होती है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, बट एज़ कम्पेयर टू रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल के कम्पेयर में एजिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है. तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो. आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, बट इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड ये आपको बिल्कुल भी सन सेंसिटिविटी नहीं देता है एंड लेस इरिटेटिंग होता है. एंड नाउ हाउ टू यूज़ एजिलिक एसिड. एक्चुअली अगर आप बिगनर हो तो आप ऑल्टरनेट डे में अपने PM स्किन के रूटीन में यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ट्वाइस इन अ वीक इज़ इनफ एंड माइट भी आपको पर्जिंग हो सकती है. सो इट्स डिपेंड. तो आप उसको पी साइज आप यूज़ कर सकते हो ऑल ओवर योर फेस. आइदर अगर आपको जहाँ पे एक्ने है, आइदर एक्ने मार्क्स है, जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो.
ओके, अब इसके साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। माइंड भी आप इसको ओवर यूज कर लो तो आपको ये सिम्टम्स दिख जाएंगे, लाइक आपको स्टिंगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, इवन आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी हो सकते हैं, इससे कुछ भी रिएक्शंस हो सकते हैं, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा एक्ने भी हो सकते हैं, एंड आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेट रख सकती है अगर आप इसको ओवर यूज़ करोगे। इवन ये मेरे साथ भी हुआ था, अगर मैं इसको रोज़ यूज़ करूँगी ना तो मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेट लग सकती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थे तो मैंने इसको यूज़ किया, बट इसका मतलब नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाली हूँ। 3 to 4 days तक अगर आपको थोड़े बहुत एक्ने होते हैं तो आप सिर्फ एक्ने पे भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको अच्छे से अपनी स्किन मॉइस्चराइज भी करनी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आप इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि आपकी स्किन अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो कुछ टाइम के लिए आप ये प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दो, उसके बाद आप फिर से यूज़ कर सकते हो, मीन्स फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब आता है कि आप एजिलिक एसिड को किसके साथ यूज़ कर सकते हो एंड किसके साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। सो वेरी सिंपल, रेटिनॉयल एंड ट्रेटिनॉइन के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं लाइक AHA एंड BHA के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन बेंजोइक एसिड के साथ भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जिसके साथ आपको बिल्कुल भी एजिलिक एसिड यूज़ नहीं करना है, बट आप इसके पहले या बाद भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने BHA यस्टरडे यूज़ किया है तो आज आप एजिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आता है कि आप किसके साथ इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो विटामिन सी के साथ एंड नियासिनामाइड के साथ। तो विटामिन सी आपको हमेशा यूज़ करना है एजिलिक एसिड के पहले, एंड जो नियासिनामाइड है आपको यूज़ करना है एजिलिक एसिड के बाद। बहुत सारे ऐसे आजकल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो मिक्स रहते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। लाइक कुछ ऐसे मार्केट में अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप नियासिनामाइड भी यूज़ कर रहे हो, एजिलिक एसिड भी यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंड्स कि जो नियासिनामाइड है वो कौन सा फॉर्म है, लाइक टोनर है, एसेंस है, आइदर मॉइस्चराइजर है। सो ऑफकोर्स अगर टोनर और एसेंस है तो आप एजिलिक एसिड के पहले यूज़ कर सकते हो, एंड मॉइस्चराइजर है, आइदर सीरम है, तो वो आपको एजिलिक एसिड के बाद ही यूज़ करना है। सो वेरी सिंपल, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसको कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन कंसर्न क्या है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एंड अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफकोर्स जब आपको एक्ने होते हैं तभी आप यूज़ कर सकते हो, एंड पिगमेंटेशन है तो 4 to 5 months तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट ईयर्स एंड ईयर्स के बारे में मैं रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये स्किन लाइटनिंग एजेंट है। लाइक क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक अल्फा ब्यूटेन, ट्रांसैमिक एसिड एंड हाइड्रोक्विनोन, जिसको रेकमेंड नहीं किया जाता है लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ मत करो अगर आपका कोई भी स्किन कंसर्न नहीं है तो। अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 4 to 5 months तक, आई गेस। एंड ऑफकोर्स मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए तो इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ अगर आपका स्किन कंसर्न नहीं है तो। ओके, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँगी तो यू नो वेरी वेल कि मैं इसको कंटिन्यूस 3 to 4 days से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे, बट ऑफकोर्स इससे मेरे एक्ने एंड एक्ने मार्क्स ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गए हैं। लाइक यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ऑफ एजिलिक एसिड यूज़ किया था तो ये इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, बट एजीडर्म 10% एंड 20% इज रियली अमेजिंग एंड इफेक्टिव। बट अगर आप इसको ओवर यूज़ करते हो, लाइक मैंने अगर 3 to 4 days तक यूज़ किया है, एंड अगर मैं फिर से इसको कंटिन्यूस यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इवन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो सकती है, तो इसको मैंने अभी यूज़ करना बंद कर दिया है। थोड़े बहुत मुझे एक्ने है, बट ऑफकोर्स मैं इसको अगर कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। तो अगर आप एजिलिक एसिड यूज़ करते हो तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप आइदर ऑल्टरनेट डे पे यूज़ करो अगर आपको पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स है तो। अगर आपको एक्ने है लाइक मेरी तरह एक्ने है, एक्ने स्पॉट्स ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आइदर, अगर आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो 3 to 4 days तक एंड आपके एक्ने रिड्यूस हो जा रहे हैं, आइदर ड्राई हो जा रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करना बंद कर दो एंड फिर से आप 2 to 3 days के बाद फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द वे आप एजिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन इरिटेट भी नहीं होगी एंड ड्राई भी नहीं होगी। वेल, आई गेस मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर लिए होंगे रिलेटेड टू एजिलिक एसिड, एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल सी यू नेक्स्ट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।